सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे स्टूडियो में। और इस स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं समथिंग वेंट रॉन्ग ट्राई अगेन के कैरेक्टर के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप भी प्ले स्टोर में से किसी भी एप्लीकेशन या फिर गेम को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं और आपको प्रॉब्लम आ जाती है समथिंग वेंट रॉन्ग ट्राई अगेन। यहाँ पर देखिए, मुझे भी जो है पहले प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर देखा मैंने जो है इसे फिक्स कैसे किया, मैं आपको इस लिंक अंदर बताऊंगा। जो जो मैंने सॉल्यूशन आजमाए वही मैं आपको इस लिंक अंदर बताऊंगा, तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ से 100% फिक्स हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं वो सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आपको बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद आपको जो है मेक श्योर अपना एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लेना होगा। यहाँ पर आपको एक बार देख लेना होगा अपने इंटरनेट कनेक्शन क्या कि आपका इंटरनेट प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं। अगर आपका इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है समथिंग वेंट रॉन्ग की। तो आप एक बार क्या काम करिए, आप जो है अपने मोबाइल डाटा को ऑफ करिए और उसे दोबारा ऑन कर दीजिए, या फिर आप जो है अपने एयरप्लेन मोड को ऑन करिए, उसे भी आप एक बार ऑफ कर दीजिए। ये काम आपको करना होगा, उसके बाद आपका एरर हट जाएगा। लेकिन अगर आपका एरर नहीं हटता तो आप अपनी सेटिंग्स में आ जाइए। मोबाइल के सेटिंग्स में आ जाने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग्स। आप सिंपली यहाँ पर आइए, उसके बाद आप डेट एंड टाइम में आ जाइए। डेट एंड टाइम में आने के बाद देखिएगा, आपका जो है डेट एंड टाइम गलत होगा तो आप सिंपली से यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम को आप सिंपली से ऑन कर दीजिए, इससे जो है आपका डेट एंड टाइम सही हो जाएगा। अब उसके बाद आप बैक आ जाइए, बैक आने के बाद आपका ये एरर हट जाएगा। लेकिन गाइज, अगर आपका एरर नहीं हटता तो आप ऐप्स में आइए, मैनेज ऐप्स पर आ जाइए। और गाइज, मैंने जो आपको ये दो सॉल्यूशन बताया, इंटरनेट वाला और यहाँ पर डेट एंड टाइम वाला, इनसे जो आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। लेकिन गाइज, कई बार जो है हमारी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती, तो आप क्या काम करिए, यहाँ पर जो है मैं आपको यही सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अब आप क्या काम करिए, राइट में आपको कॉर्नर पे थ्री डॉट देखने को मिल रहा है, आप सिंपली इस पर आइए। यहाँ पर आने के बाद आपको देखने को मिल रहा है रीसेट टैब प्रेफरेंस, आप सिंपली से रीसेट एक बार कर दीजिए। रीसेट करने के बाद आप यहाँ पर सर्च बारे में आइए और यहाँ पर आप अपना एक बार प्ले स्टोर एक बार सर्च कर लीजिए। प्ले स्टोर सर्च करने के बाद आप इसका फोटो स्टॉप कर दीजिए और ओके पे टैप कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से क्लियर ऑल डाटा कर देना होगा इसका, उससे पहले आप इसका क्लियर कैचअप भी कर दीजिएगा। अब ये काम करने के बाद आप बैक आइए, बैक आने के बाद आपको देखने मिल रहा है गूगल प्ले सर्विसेज, आप सिंपली यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद देखिएगा, आप सिंपली इसका फोटो स्टॉप कर दीजिए। फोटो स्टॉप करने के बाद स्टोरेज में आइए, स्टोरेज में आ जाने के बाद आप सिंपली इसका क्लियर कैचअप कर दीजिए। आपको इसका क्लियर ओल्ड डाटा नहीं करना होगा, आप सिंपली बैक आइए। बैक आने के बाद बैकग्राउंड में सभी एप्लीकेशन को रिमूव कर दीजिए और आप एक काम करिए, आप अपने मोबाइल को रिबूट या फिर रिस्टार्ट या फिर आप पावर ऑफ भी कर सकते हैं। आप ये काम कर लीजिए, उसके बाद आप अपने मोबाइल को ऑन करेंगे और प्ले स्टोर में जाके देखेंगे तो आपका एरर 100% फिक्स हो जाएगा, आपको ये एरर नहीं आएगा। तो गाइस, इन सॉल्यूशंस की मदद से आप इस एरर को हटा सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे को जस्ट आपको इतने बताना था। तो होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए टिल देन बाय गाइस।